जगन्नाथ पुरी के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। इस मंदिर के कई रहस्य हैं जिसको कोई सुलझा नहीं पाया है, और आज हम आपको उन्हीं रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ मंदिर चारों धाम में से एक है, और इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपका सनातनी हिंदू होना आवश्यक है, और इसी कारण से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी। चलिए अभी इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। नंबर वन, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए सिंह द्वार है, और जब तक आप इस द्वार के बाहर रहते हो तब तब आपको समुंदर के लहरों की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तभी समुंदर की लहर की आवाज़ अचानक से बंद हो जाएगी। नंबर टू, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र बना हुआ है, और हैरानी की बात यह है कि आप पुरी के किसी भी स्थान से इस चक्र को देखो आपको ऐसा ही लगेगा कि वह चक्र आपके मुंह की ओर घुमा हुआ है। नंबर थ्री, उसी चक्र के ऊपर एक झंडा लगा होता है जिसको हर दिन बदला जाता है, लेकिन उल्टा चढ़कर। कहा जाता है अगर एक दिन के लिए भी इस झंडे को ना बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। नंबर फोर, उसी झंडे की एक रहस्यमय बात है कि झंडा हमेशा हवा की उल्टी तरफ बहता है। नंबर फाइव, जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जिसमें 500 से भी ज़्यादा कर्मचारी मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। इस रसोई में प्रसाद लकड़ी के ऊपर मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। इस प्रसाद को बनाने में 7 बड़े मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल किया जाता है। इन बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर यानी 7वें बर्तन में पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है, और आखिर में पहले बर्तन में प्रसाद तैयार होता है। नंबर सिक्स, जगन्नाथ मंदिर में कितने भी भक्त क्यों ना आ जाए, प्रसाद इधर कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होने लगते हैं तब तक प्रसाद खत्म हो जाता है, यानी कि प्रसाद कभी वेस्ट नहीं होता है। नंबर सेवन, हर मंदिर के ऊपर चिड़िया उड़ती रहती है और मंदिर के ऊपर बैठती भी है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर अकेला ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर से कोई भी चिड़िया नहीं गुजरती, और इसी कारण से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। नंबर एट, हिंदू मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग किया था तो उनके शरीर को जलाने के बाद उनका दिल रह गया था, और एक जीते जागते इंसान की तरह उनका दिल भी धड़क रहा था, और कहा जाता है उनका दिल जिसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है वो आज भी जगन्नाथ मंदिर के कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां हैं, बड़े भाई बलभद्र की, उनके छोटे भाई श्री कृष्ण की, और सबसे छोटी बहन सुभद्रा की। इन मूर्तियों को हर 12 या फिर 19 सालों में बदला जाता है। ये मूर्तियां नीम की लकड़ी की बनी होती है, और जब भी मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है, और जो पुजारी इस मूर्ति को बदल रहा होता है वो अपने आँख में पट्टी बांध लेता है, क्योंकि माना जाता है जब मूर्ति को बदलना होता है तब ब्रह्म पदार्थ को भी नए मूर्ति में डाला जाता है, और अगर कोई भी इस ब्रह्म पदार्थ को देख ले उसी समय उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।